अब सांपों की तरह इंसान भी बना सकता है जहर, और ये टूल किट भी मौजूद हैं कि इंसान सांपों की तरह जहर बना सकता है। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी प्रकार की हेल्पफुल जानकारी सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल एक रिसर्च हुई है, तो रिसर्च में क्या खुलासा हुआ है वो हम आपको पूरी जानकारी बता देते हैं। जापान के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि इंसान के शरीर में एक ऐसा टूल किट होता है जिसकी बदौलत वह जहर पैदा कर सकता है। उनके अनुसार इंसान ही नहीं, कई और स्तनधारी जीव यानी मैमल्स जहर पैदा कर सकते हैं, बस उनके शरीर का वो हिस्सा ज़रूरत के हिसाब से विकसित होता है। उन्होंने कहा है कि इंसान किसी भी समय दुनिया के सबसे जहरीले सांप रेटल स्नैक और सबसे जहरीले स्तनधारी डकबिल यानी प्लेटिपस के साथ अपना नाम जोड़ सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानों की फ्लेक्सिबल जीन्स की वजह से हुआ है ये सब कारनामा। ये जीन्स सलाई इवरी ग्लैड्स यानी लार ग्रंथियों और जहरीले और गैर जहरीले जीवों के अनुसार विकसित करता है। तो उन्होंने ये दावा किया है कि जापान के ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस स्टडी के सह लेखक और रिसर्चर अग्निश बरुआ ने कहा है कि एनिमल किंगडम में जीन्स के प्रभाव की वजह से लार ग्रंथियाँ 100 से ज़्यादा बार विकसित हुई हैं या फिर जरूरत के हिसाब से बदली हैं। अग्निश बरुआ के अनुसार इंसान उसी स्तर का जहर पैदा कर सकता है, बस जीन्स की वजह से उनकी लार ग्रंथियाँ उस तरह से विकसित हो जाए। जुबानी जहर जंतु साम्राज्य में बेहद सामान्य बात है। ये अलग अलग चीज़ों जैसे मकड़ी सांप घोंगे आदि में ज़रूरत के हिसाब से विकसित होते हैं। अग्निश कहते हैं कि स्लो लोरिश प्राइमेट्स यानी बद्रों की श्रेणी का अकेला जीव है जिसमें के मुंह में जहर की ग्रंथियां होती हैं। जीव विज्ञानी ये जानते हैं कि जुबानी जहर लार ग्रंथियों के विकास का नतीजा है, लेकिन ये वैज्ञानिकों ने ये खुलासा किया है कि इसके पीछे मोलिकुलर मैकेनिक्स काम करता है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने कहा है कि ये एक लैंडमार्क है, और जहर शोधकर्ता रोनाल्ड जेनर ने भी कहा है कि जहर में मौजूद विषाक्तता कई जीवों में एक जैसी होती है, जैसे सेंटीपीड का जहर सांपों की कई प्रजातियों के जहर से मिलता है। तो अग्निश बहुआ कहते हैं कि विषाक्तता किसी के भी शरीर में किसी भी विकसित हो सकती है, कि ये कई जटिल रसायन पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। इस स्टडी को करने वाले दूसरे रिसर्चर एलेक्जेंडर ने कहा है कि इंसानों समेत कई जीवों में यह हाउस कीपिंग जीन्स होता है जो विषाक्त पदार्थ शरीर के अंदर बनाता है, लेकिन ये जहर नहीं होता है। इंसान भी सांपों की तरह जहर पैदा कर सकते हैं। इसे प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिक ने ताइवान हबू नाम के भूरे रंग के पीट वाइपर की स्टडी की, क्योंकि ये सांप ओकिनावा में आसानी से पाया जाता है। अग्निश ने बताया कि हमने यह स्टडी की कौन सा जीव जहर पैदा करने के लिए ज़रूरी होता है, यह कितने जीवों में सामान्य तौर पर पाया जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा खुलासा है वैज्ञानिकों की तरफ से। तो दोस्तों, आपको ये वैज्ञानिकों का खुलासा कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि इंसान भी सांपों की तरह जहर पैदा कर सकता है, जहर बना सकता है क्या? तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करके हमें बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी प्रकार की हेल्पफुल और टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।